नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के छात्रों से जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग खुश खबर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ प्रक्षेत्र के मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जनपदों के 1000 से अधिक डिग्री कॉलेजों के 4.5 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी है। इन कॉलेजों के UG और PG प्रथम वर्ष, UG द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर द्वितीय एवं तृतीय के सभी छात्र बिन परीक्षा ही प्रमोट हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने 6 अगस्त गुरुवार को इस पर मोहर लगा दी है। छात्रों को प्रमोट किए जाने के लिए परीक्षा समिति के मसौदे को कार्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में पास कर दिया गया है। अब शीघ्र ही प्रमोट छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रमोट छात्रों का रिजल्ट तैयार करने में जुट गया है। अब सवाल ये है कि छात्रों को प्रमोट किए जाने का फार्मूला क्या होगा, रिजल्ट कब घोषित होगा और कब कक्षाएं चलेंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में यह अहम निर्णय हुआ है कि UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और PG सेमेस्टर के सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि UG सेकेंड ईयर के छात्रों को UG फर्स्ट ईयर में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में जो उन्हें अंक मिले थे उतने ही अंक उन्हें सेकेंड ईयर में दिए जाएंगे। वहीं PG सेमेस्टर द्वितीय में छात्रों को उतने ही अंक मिलेंगे जितने उन्होंने PG सेमेस्टर प्रथम में प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय ने UG फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए यह निर्णय लिया है कि अभी उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर की परीक्षा होने पर जितने अंक वह सेकेंड ईयर की परीक्षा में प्राप्त करेंगे फर्स्ट ईयर में भी उतने ही अंक उनके मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे। BA फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को अभी मार्कशीट नहीं मिलेगी। 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय सभी प्रमोटेड छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा और शीघ्र ही कॉलेजों में उनकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सेकेंड ईयर और फाइनल के छात्रों की कक्षाएं शुरू किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय ने पहले ही सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। UG और PG अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, अंतिम सेमेस्टर की भी परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। आशा व्यक्त की जा रही है कि यह परीक्षाएं सितंबर में होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 16 जुलाई को जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रमोट किया है। आप देख रहे थे यह खुशखबर रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद